सवाल जवाब करने का समय नहीं है। हम इस परिवार से यही बोले, ऐसे दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जहानाबाद पहुंचे थे। जहानाबाद विजय सिंह के घर पर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। अगर आपको याद हो तो बिहार विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी के नेता विजय सिंह की जो मौत हुई थी, उस मामले को अभी भी सियासी तूल दिया जा रहा है, लेकिन इसमें रिपोर्ट आने के बाद तमाम चीजें साफ हो गई हैं। लेकिन उनके घर पर मुलाकात का सिलसिला चल रहा है, मुलाकात करने कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं और अब तो पावर स्टार पवन सिंह भी पहुंचे हैं। देखिए, चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच पवन सिंह जहानाबाद में जब बीजेपी के दिवंगत नेता विजय सिंह के घर पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की, तो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार हुजूम उमड़ पड़ा था। पवन सिंह के चाहने वाले एक तरफ थे, वहां पवन सिंह को किसी प्रकार वहां घर के अंदर ले जाया गया, घर से बाहर भी ले जाया गया। लेकिन इस दौरान पवन सिंह ने क्या कुछ कहा है मुलाकात करने के बाद विजय सिंह के परिजनों से, वो भी आप सुनिए। परिजनों से मिलने क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ नहीं, ये सवाल जवाब करने का समय नहीं है। हम इस परिवार से यही बोले ऐसे दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जो भी होगा सब बातचीत किया जाएगा। तो सुना आपने, पवन सिंह ने कोई राजनीतिक बयानबाजी तो नहीं की, कोई पॉलिटिकल टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं विजय सिंह जी के परिवार से मिला और मिलकर के इतना ही कहा मैंने कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा, आपकी हर संभव मदद करूंगा। देखिए, पवन सिंह के चुनाव लड़ने की भी चर्चा चल रही है, लेकिन इस बीच पवन सिंह जहानाबाद पहुंचते हैं और आपको पता है कि बीजेपी के ही नेता थे विजय सिंह, जिनकी बिहार विधानसभा मार्च के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि मौत के कारणों को पटना पुलिस के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है, लेकिन बीजेपी इसे मानने को भी तैयार नहीं है। इस बीच पवन सिंह पहुंचते हैं और सदर प्रखंड क्षेत्र के कल्पा गांव जाकर भाजपा के दिवंगत नेता विजय कुमार सिंह के परिजनों से मुलाकात करते हैं, शोकाकुल परिजनों को सांत्वना देते हैं और हर संभव मदद का आश्वासन भी देते हैं। इस मौके पर पवन सिंह ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। जैसे ही आसपास के लोगों ने भोजपुरी गायक और सुपरस्टार पवन सिंह के आने की बात सुनी, तो वैसे ही बड़ी संख्या में वहां पहुंच भी गए। युवाओं में पवन सिंह के साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ मच गई, सेल्फी के लिए आपाधापी होने लगी और इस दौरान पवन सिंह के सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी के पसीने छूट गए। हालांकि पुलिसकर्मियों ने किसी तरह भीड़ से अलग कर पवन सिंह को गाड़ी तक ले जाने का काम किया। वहीं पवन सिंह के आने पर कुछ देर के बाद के लिए गांव में अफरा तफरी का माहौल भी कायम रहा। जैसे ही पवन सिंह गांव से बाहर निकले, सुरक्षाकर्मी ने राहत की सांस ली। अब देखिए, बात यह है कि दिवंगत नेता की मौत के बाद प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता लगातार विजय सिंह के घर पहुंच रहे हैं और उनके परिजनों से इस दुख की घड़ी में मुलाकात कर रहे हैं, घटना को लेकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, भोजपुरी के सुपर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह। गायकी के लोग दीवाने हैं उनके, उनकी एक्टिंग को लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन अब सियासत में उतरने की भी बात चल रही है, चुनाव लड़ने की भी बात चल रही है और ये भी बात चल रही है कि बीजेपी की ओर से ही पवन सिंह, हालांकि बीजेपी पहले से ही साफ है क्योंकि चुनाव प्रचार भी बीजेपी के लिए कर चुके हैं पवन सिंह। अब ऐसे में पवन सिंह चुनाव लड़ने के बीच जो है चर्चा के बीच अब जहानाबाद में विजय सिंह के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचते हैं। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपने देखी है और मुलाकात के बाद पवन सिंह क्या कुछ कहते हैं वो भी आपने सुना। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।